हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपमनकु स्वागत करुछि आम चैनल प्रियंका टिप्स को। फ्रेंड्स, आज मु आपनको सहित शेयर करबी हेयर फॉल रो रीजन आउ ताहर सॉल्यूशन। बहु जनक रिक्वेस्ट आसतिले फ्रेंड्स ए टॉपिक ऊपर वीडियो बनिबा पे, सो फाइनली आज मु से वीडियो नेकी आसी जाय छी। आज रे वीडियो रे मु आपनको कहबी कि हेयर फॉल रो रीजन आउ एहा को आमे किपरि रोकि पालिबा। आज जो रेमेडी मु आपनको सहित शेयर करबी फ्रेंड्स, ताकु जदि आपन मु कहबा अनुसार यूज करबे तो आपनको हेयर फॉल 100% कमी जीवो। एहा आपनको बहुत शीघ्र रिजल्ट भी देखिबो। सो चलन तो फर्स्ट हमें जानि लेबा हेयर फॉल रो रीजन। नंबर वन, हेरिडिटी। फ्रेंड्स, हेयर फॉल रो सबटा अधिक प्रॉब्लम हेरिडिटी रे देखिबा को मिलि थाए। माने जदि आपनकर मम्मी पापा को हेयर फॉल हेउतिबो ताहाले एही प्रॉब्लम आपनक ठारे भी देखा जीवो। सो हेयर फॉल रो फर्स्ट एंड मेन रीजन हेला फ्रेंड्स जेनेटिक। नंबर टू, डाइट। जदि आम खावा पीबार ध्यान न रखा तो द्वारा भी आमको हेयर फॉल रो प्रॉब्लम हो पाए। फ्रेंड्स, आजिकल बहुत जन मान समस्ते अधिक जंक फूड फास्ट फूड बाहर खावा अधिक खाई जहाँफल यह आम बॉडी उपर डायरेक्ट बेड इफेक्ट करें। यही सबूर लिमिटेड खावा एत इफेक्ट कैना, बट ओवर खावा मानने डेली जदि आप जंक फूड फास्ट फूड बेसी ऑयल खाद्य मसला खाद्य ए सब खाए ना, तो एद्वारा भी आपन को हेयर फॉल हो पाए। आई ही आप हेयर फॉल होती बाहर खावाक अधिक रु अधिक एवोड करूँ। अधिक फ्रूट्स ग्रीन वेजिटेबल्स सब खाते फ्रेंड्स, एद्वारा भी आपन को हेयर फॉल कंट्रोल आस। थर्ड है फ्रेंड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस। फ्रेंड्स, यदि आप अधिक टेंशन रोचान अधिक स्ट्रेस रोचान अधिक ओवर थिंकिंग करा फ्रेंड्स, तो एद्वारा भी आपको हेयर फॉल हो पाए। नंबर फोर, लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, हेयर फॉल रो आउ गोटे रिजन यह है कि जदि आप निज हेयर भल भाव केयर करूना, मानने निज हेयर ऑयलिंग करूना, टाइम टू टाइम हेयर वॉश करूना, किद भलेसे निद होनी, तो एद्वारा भी आपको हेयर फॉल हो पाए। ता सहित फ्रेंड्स, जब आप अधिक केमिकल पड़ी शैम्पू कंडीशनर किसी हेयर पैक यूज करूँ तो एद्वारा भी आपको हेयर फॉल हो पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो थिला हेयर फॉल रीजन। एवं मुझे सहित शेयर करी दुटा इफेक्टिव आउ इजी रेमेडी जहाँ को यूज करके आप निजर हेयर फॉल को 100% कम करेंगे। यही रेमेडी एत इफेक्टिव होता है कि फ्रेंड्स, आप सप्ताह को थे भी यूज करेंगे ना, तो आपंक हेयर फॉल धीरे धीरे कमे लगे और आप निजे ही देखिए। सो चलो बेसी देरी नक देखने आज रेमेडी। किंतु ता पूर्वर फ्रेंड्स, आपको गोटे छोट रिक्वेस्ट, जब आप चैनल नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करना तेल प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, सहित वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सो चलो भी देखने आज इफेक्टिव रेमेडी। फ्रेंड्स, आज मुझे सहित इजी आउ इफेक्टिव दुटा रेमेडी सेट करी। जदि आप यूज करेंगे तो आपंकर हेयर फॉल धीरे धीरे कमिजी, आउ जदि आप रेगुलरली यूज करेंगे तो आपंकर हेयर फॉल बहुत शीघ्र कमिजी। तो चलो स्टार्ट करने आज रेमेडी बनवा। तो फ्रेंड्स, प्रथम रेमेडी आपको दरकार निमपत्र। निमपत्र आम स्किन आम हेयर पर बहुत ही बेनिफिशियल अटे। निमपत्र को औषध रूप में भी व्यवहार करा जाए। तो फ्रेंड्स, आपको अल्प निम नेबार अच्छी, तापर आपको दरकार गोटे खाली बासन, से एड करूँ डेढ़ ग्लास नॉर्मल वाटर बा पानी। आउ एही पानी को एबे आमे फुटेबा। पानी फुटिला परे एथि आमे निमर पत्र एड करिनेबा। एही पानी को आमे 20 मिनट पर्यंत फुटेबा, जेउ द्वारा निम पत्र रे जहा भी सब भल भल गुण थिबो ताहा पानी को चली जिवो। तो 20 मिनट फुटिबा परे गैस बंद कर देबे और पानी को ठंडा हेबा पर्यंत छाड़ी देबे। तो पानी हमर ठंडा हो जाए छी, एबे हमें ही पानी को छाड़ी देबा। तापरे फ्रेंड्स, आपण को पाखे जदि स्प्रे बॉटल अछि तो गोटे स्प्रे बॉटल रे एही पानी को भरी दियंतु। तो आमर रेमेडी रेडी हो जाए छी। एही पानी को आमे आम स्कैल्प रे अप्लाई करिबा। तो एही प्रकार रे आपण स्कैल्प रे स्प्रे करंतु। जदि आपंप स्प्रे बटन ना तो आप तुलार साहय लगे पारे। फ्रेंड्स, जमीक आप समस्ते जानते निम आम स्किन आम हेयर पर बेस्ट होता है। निम पत्र द्वारा आम हेयर सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जमीक चुट्टी झड़ा ड्राई होगा पतला होगा ए सब प्रॉब्लम दूर हो जाए। ता सहित जदि आपको डेंड्रफ रो प्रॉब्लम अच्छी तो ताहा भी बहुत शीघ्र दूर हो जाए। निम आम स्कैल्प रो सब प्रॉब्लम को दूर करी हेयर को हेल्दी बनाई।
ता सहित निम आंटीबैक्टीरियल परि काम करिथाय। जदि आपनको हेयर बहुत अधिक ड्राई हो जाइछि किंबा फ्रिजी हो जाइछि किंबा आपनको हेयर जदि अधिक इचिंग होउछि त निम एही सब प्रॉब्लम को दूर करि देबो। तो यह आपड़ सप्ताह थरी लगे आई पा को आप गोटे सप्ताह पर्यटन स्टोर कर रखिपारे। फ्रेंड्स एप्लाय करने आपज हेयर को शैम्पू द्वारा वाश करे। तो ये आम करवा सेकेंड रेमेडी। सेकेंड रेमेडी आमको दरकार पड़ो एलोवेरार गोटे लिफ। फ्रेंड्स ये आपको फ्रेश एलोवेरा ही नेबार अच्छी। फ्रेश एलोवेरा आम हेयर पर आम स्किन बहुत भल हो शीघ्र कम भी करें। तो यही रेमेडी आमको ये गोटे जिनस ही दरकार माने एलोवेरा द्वारा ही आम आम हेयर प्रॉब्लम को दूर करवा। तो फ्रेंड्स आपड़ एमती गोटे एलोवेरार लिफ निपर एलोवेरा को एमती कट कर स्केल्प मसाज करूँ जमी मुझे भिडियो देखा से ही प्रकार करें। एलोवेरा फ्रेंड्स आम हेयर पर बेस्ट इनग्रीडियंट अटे। यह आम हेयर को बढ़े बहुत हेल्प करें। एलोवेरा आम स्केल्प पीएच को बैलेंस करके रखी थाए आउ हेयर को सिल्की आउ स्मूथ भी बनई थाए। यही रेमेडी को भी आपड़ विक्रे थे करूँ। फ्रेंड्स यही दुटा रेमेडी मध्य आपड़ क्यों भी गोटे रेमेडी को फॉलो करें। जदि आप चाहिए तो आप दुटा रेमेडी को फॉलो करें। तो एलोवेरा को भी आप यही प्रकार तीस मिनट पर्यंत हेयर रखिबे। तापर शैम्पू आ कंडीशनर द्वारा हेयर को वॉश करिदेबे। यही रेमेडी आपण को हेयर सब प्रॉब्लम को दूर करिदेबो। तो फ्रेंड्स यदि आपण भी निज हेयर को हेल्दी बनिबा को चाहौछन्ती निज हेयर फॉल को पूरा पूरी बंद करबा को चाहौछन्ती ताहले ये रेमेडी को यूज करतु। आपण ही दुटीटा रेमेडी मधेरु केउ भी गोटे रेमेडी को पिक करि परिबे। फ्रेंड्स दुटीटा रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव अटे। आपण जो प्रकार निम पत्र को यूज करबा को चाहौछन्ती सेही प्रकार रे यूज करके निज हेयर फॉल को कंट्रोल करि परिबे आ निज हेयर को हेल्दी करि परिबे। फ्रेंड्स आपण या को सप्ताह रे थरे ही यूज करंतु। जदि सप्ताह को थरे यूज करि परना को भी थरे दुईथर निश्चित रूप यूज करूँ। फ्रेंड्स एथिद्वारा ही आपको हेयर चेंजेस देखा एमित नुहे आप थरे दुईथर यूज करदे आड़ीदे कि कम देखिए पेसेंस रखिकी आप यूज करूँ। यह डेफिनेटली कम देव। फ्रेंड्स कौन पाईना निम पत्र बेनिफिट विषय आपस्ते तो जानते आपंप सहित सेयर भी कली। सो आप पेसेंस रखिए यूज करूँ। तीन चार थर यूज पर आपको डिफरेन्स देखा निज हेयर। तो फ्रेंड्स आशा करूँ आज वीडियो टी आपको पसंद आसो। जदि पसंद आसी था प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे निज सांगी सेयर करें। आदि चैनल नुआ आई चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे। मिसीबा नेक्स्ट वीडियो रे।